इस आदमी की अभी अभी शादी हुई है और उसकी माँ अपनी बहू पर बुरी नजर डाल रही है। जेनी को लगा कि उसकी सास उसे पसंद नहीं करती है, लेकिन रात को जब वे सोने वाले थे तो वह अचानक फिर से आ जाती है। जेनी ये देखकर बिल्कुल चौंक जाती है। उसने उन्हें जल्दी से बाहर आने को कहा, लेकिन वो रात को सोने के अलावा और क्या करते हैं। तभी उसके पति ने उसे समझाया कि उनके परिवार ने बोर्ड गेम खेलना शुरू कर दिया है। जब भी उनके घर पर कोई नया रहने के लिए आता है तो उसे उनके साथ एक खेल खेलना पड़ता है। जेनी ने सोचा कि यह एक सरल खेल होगा, उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसका पति खुश नहीं था। तब ससुर ने कहा कि जेनी को लुका छिपी खेलना चाहिए। जेनी को छुपाने के लिए वे 100 गिनेंगे। अगर वो अपने आप को सुबह तक छुपाने में कामयाब रही तो वो परिवार में शामिल हो सकती है। जेनी इस बचकाने खेल पर हंसी, लेकिन उसके ससुर ने उसे आश्वासन दिया कि निष्पक्षता के लिए वे सारी निगरानी बंद कर देंगे। ये सुनकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सौभाग्य से उसके पति ने उसे जाने से पहले सावधान रहने की याद दिलाई, किसी को अपना पता न चलने दे। उसके जाने के बाद परिवार ने सभी प्रकार की बंदूकें और शिकार हथियार निकाल लिए। जाहिर है ये जिंदगी और मौत का असली खेल है। इस बीच जेनी ने देखा कि कोई उसकी तलाश नहीं कर रहा है, इसलिए वो बाहर दालान में आ जाती है। और जब वो बाहर जा रही थी तो उसने देखा कि कोई उसे ढूंढ रहा है, और अगली बात जो उसके साथ हुई कि बड़ा सा हाथ उसका मुंह पकड़ लेता है, लेकिन यह उसका पति था जो उसे चोट पहुंचा।